Apart from the availability of water, access to safe drinking water is also available to some, and this depends on what one can afford. अब खाली पानी की अवेलेबिलिटी ही नहीं बल्कि जो साफ पीने का पानी है वो भी लोगों को मिले ये डिपेंड करता है कि वो कौन कितना अफोर्ड कर पाता है. Once again, the wealthy have more choices thanks to the booming market in the bottled water and water purifiers. अब अगर फिर से देखा जाए तो जो वेल्दी यानी कि जो रिच लोग होते हैं उनके पास ज्यादा चॉइसेस होती हैं क्योंकि मार्केट में जो है बॉटल वाटर भी आ रही है और वाटर प्यूरिफायर्स भी. पीपल हु कैन अफोर्ड इट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेयरएज द पुअर आर अगेन लेफ्ट आउट. अब जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं उनके पास जो है साफ पीने का पानी है जबकि जो लोग गरीब है वो अगेन छूट जाते हैं. इन रियलिटी देयरफॉर इट सीम्स दैट इट इज ओनली पीपल विद मनी हु हैव गॉट द राइट टू वाटर. अगर देखा जाए रियलिटी में तो खाली जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास राइट है पानी की. अ फार क्राई फ्रॉम द गोल ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू सफिशिएंट एंड सेफ वाटर. अगर देखा जाए तो जो एक हम लोगों का टारगेट है कि यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए सफिशिएंट और सेफ वाटर का उससे बहुत दूर. टेकिंग वाटर फॉर फार्मर्स द शॉर्टेज ऑफ वाटर हैज ओपनड अप अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट कंपनीज इन अ बिग वे. अभी जो पीने के पानी की या खाली पानी की जो कमी है इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई है प्राइवेट कंपनीज के लिए. मेनी प्राइवेट कंपनीज आर प्रोवाइडिंग वाटर टू सिटीज बाय बाइंग इट फ्रॉम प्लेसेस अराउंड द सिटी. अब बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ऐसी हैं जो कि वाटर प्रोवाइड करा रही हैं शहरों को दूसरे जगहों से खरीद के जो कि सिटी के आसपास हैं. इन चेन्नई वाटर इज टेकन फ्रॉम द नियर बाई टाउन्स लाइक ममंदूर पालोर करुगिजी एंड फ्रॉम विलेजेस टू द नॉर्थ ऑफ द सिटी using a fleet of over 13,000 water tankers. अब चेन्नई में ही पानी जो है वो आसपास के जो टाउन्स हैं जैसे कि मामंदर है पालर है कारुन गिजी है और कई गांव हैं जो नॉर्थ साइड में सिटी के उनसे लगभग कम से कम 13,000 वाटर टैंकर्स जो हैं वो पानी लेते हैं. एवरी मंथ द वाटर डीलर पे फार्मर्स एन एडवांस फॉर द राइट्स टू एक्सप्लॉइट वाटर सोर्सेज ऑन देयर लैंड. हर महीने जो वाटर डीलर्स हैं वो किसानों को पैसे देते हैं एडवांस में ताकि वो जो राइट है उनकी वाटर रिसोर्सेज की या जो उनकी जमीनों पे जो वाटर रिसोर्सेज है उनको यूज कर सके. दिस इज वाटर टेकन आउट अवे नॉट जस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर बट ऑल्सो फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज ऑफ द विलेजर्स. अब ये जो पानी है ये क्या होता है खाली उनके एग्रीकल्चर से ही नहीं लिया जा रहा है बल्कि जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है विलेजर्स की उससे भी उनको पानी लेते हैं. ग्राउंड वाटर लेवल्स हैव ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली इन ऑल दीज टाउन्स एंड विलेजेस एज अ रिजल्ट. अब रिजल्ट क्या हुआ जब इस तरह से पानी बाहर जा रहा है तो जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो तो बहुत ज्यादा नीचे आ गया इन टाउन्स में और उसी वजह से विलेजेस का भी लेवल नीचे आ गया. फिर इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव द सिचुएशन इन चेन्नई इज नॉट यूनिक. अब ये जो सिचुएशन या हालात चेन्नई के हैं ये कोई बहुत अलग नहीं है. अ सिमिलर सिनेरियो ऑफ शॉर्टेज एंड एक्यूट क्राइसिस ड्यूरिंग द समर मंथ इज कॉमन टू अदर सिटीज ऑफ इंडिया. इसी तरीके की पानी की कमी या और भी ज्यादा क्राइसिस जो है गर्मी के महीनों में बहुत कॉमन है शहरों में पूरे इंडिया में. द शॉर्टेज इन म्युनिसिपल वाटर इज इंक्रीजिंगली बीइंग फिल्ड बाय एन एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज हु आर सेलिंग वाटर फॉर प्रॉफिट. ये जो शॉर्टेज हो रही है म्युनिसिपल वाटर की ये दिन पर दिन क्यों बढ़ती जा रही है क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज है वो दिन पर दिन जो है पानी बेच रही है अपने प्रॉफिट के लिए और उनका फैलाव ज्यादा हो रहा है. ऑल्सो कॉमन आर द ग्रेट इनइक्वालिटीज इन वाटर यूज. साथ ही साथ जो वाटर का इस्तेमाल है उसमें भी बहुत भारी इनइक्वालिटी है यानी समानता नहीं है. द सप्लाई ऑफ वाटर पर पर्सन इन एन अर्बन एरिया इन इंडिया शुड बी अबाउट 135 लीटर्स पर डे. जो सप्लाई होता है वाटर पर पर्सन किसी भी शहर में इंडिया के वो लगभग 135 लीटर पर डे के हिसाब से होता है यानी सब लगभग 7 बकेट्स वो यूज कर सकते हैं. अ स्टैंडर्ड सेट बाय द अर्बन वाटर कमीशन. ये स्टैंडर्ड मेजर सेट किया गया है अर्बन वाटर कमीशन द्वारा. वेयर एज पीपल इन स्लम्स हैव टू डू विद द लेस देन 20 लीटर्स अ डे पर पर्सन. जबकि जो स्लम्स में लोग रहते हैं उनके लिए पर पर्सन 20 लीटर पानी बहुत ज्यादा है यानी एक बकेट. पीपल लिविंग इन लग्जरी होटल्स में कंज्यूम एज मच एज 1600 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे. पर लोग जो लोग लग्जरी होटल्स में रहते हैं वो लगभग 1600 लीटर यानी 80 बकेट पानी पर डे इस्तेमाल करते हैं. अ शॉर्टेज ऑफ म्युनिसिपल वाटर इज ऑफन टेकन एज अ साइन ऑफ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट. अगर पानी की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका अगर पानी में कमी आ रही है तो उससे ये माना जाता है कि गवर्नमेंट फेल हो गई. सम पीपल आर्ग्यू दैट सिंस द गवर्नमेंट इज अनएबल टू सप्लाई द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड एंड मेनी ऑफ द म्युनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट्स आर रनिंग एट अ लॉस. We should allow private companies to take over the task of water supply.
बहुत से लोग इस बात पर बहस भी करते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट जो है जब हमें सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई नहीं कर पा रही है और यहाँ तक कि जो म्युनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा लॉस में चल रहे हैं, तो क्यों ना प्राइवेट कंपनीज को ये टास्क दे दिया जाए कि वो वाटर सप्लाई को प्रोवाइड करा सके। अकॉर्डिंग टू देम प्राइवेट कंपनीज कैन परफॉर्म बेटर। उन लोगों का मानना है कि प्राइवेट कंपनीज जो है कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट।